Hi, good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Today we will do exercise 35 in book number 2. Exercise 35 in book number 2. And today's topic is chapter money. Rupees. There are 100. So in 2 rupees there are 50%. बेटा माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, किसी का ऑन है तो. It is very easy exercise actually. As we know that there are 1 rupee, 100 paise in 1 rupee. 1 rupee में कितने पैसे होते हैं? 1 rupee is equal to 100 paise. पैसे. You have to पैसे. Learn this formula. ठीक है? ये बात आपको हम 3 दिन से पढ़ रहे हैं, आई होप आपको पता ही होगा. ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सी एक बात पूछ लेती हूँ. अगर 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, ठीक है, तो तनिष्क जी कैन यू टेल मी 2 रुपीज में कितने पैसे होंगे बेटा? 1 पैसा होगा. पक्का? यस मैम. आर यू श्योर? यस मैम. 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपीज में मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? लेट तनिष्क आंसर. तनिष्क आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, वेर आर यू? मैम 0. मतलब बेटा एक बात बताओ, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपए में तो ज्यादा होने चाहिए ना. और भी आप तो 0 बना रहे हो बिल्कुल ही. बताओ मैम मैं बताऊं? 1 रुपए में 100 पैसे हैं, तो 2 रुपए में, अब ये इसका डबल हो गया, तो ये भी तो इसका डबल होना चाहिए कि नहीं? आप 0 बोल रहे हो. चलिए मैम पूछ लेते हैं, ये प्रियंका अग्रवाल के नाम से कौन बच्चा है? अंशिका. कौन है? अंशिका अग्रवाल. अंशिका, अंशिका कैन यू टेल मी हाउ मच पैसे आर देयर इन 2 रुपीज? 200. वेरी नाइस. अब कहाँ से आया 200? ये देखिए आप बेटा, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपीज में 2 × 100 या 100 × 2 करते हैं. ठीक है, कितना आया जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 पैसे. ठीक है, चलिए अब मैं पूछ लेती हूँ मीनल से. मीनल कैन यू टेल मी 3 रुपीज में कितने पैसे होंगे बेटा? 300. क्या किया आपने? 100 × 3, तो आ गया आपका 300. वेरी नाइस. मिष्टू जी 4 रुपीज में कितने पैसे होंगे बेटा? 4 रुपीज में 400. एंड फ्रॉम वेयर डिड यू गेट टू 400? यू मल्टीप्लाई 100 by 4. ठीक है, एंड आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम ये ना जानवी, 5 रुपीज में कितने पैसे होंगे बेटा? 500. वेरी नाइस, 500. ठीक है, चलो इसमें भी आपने क्या किया, 100 को 5 से कर दिया मल्टीप्लाई. कुमुद, कुमुद मैम, कुमुद आपसे एक थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन ले लेते हैं. आप मुझे ये बताओ 600 पैसे में कितने रुपए होते हैं? मैम 6 रुपीज होते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. कुमुद के लिए तो मैं क्लैपिंग करूंगी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि 600 पैसे अगर बता दें तो आपको रुपए बताने हैं, तो आप उसको 100 से क्या किया बताए, आपने 600 को 6 से डिवाइड किया, तो आ गया आपका 6. ठीक है, इसको देखो ऐसे हम रब कर सकते. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ये है ना एक बच्ची उन्नति.
उन्नति मैम इन सेवन रुपीज देयर आर डैश पैसे मैम 700 और कैसे आया आपका 700 बेटा सेवन को सेवन इंटू हंड्रेड देखो 100 इंटू 7 करो 7 इंटू 100 करो बात एक ही आती है ठीक है तो आ गया आपका 700 वेरी गुड और 8 रुपीज में मुझे बताएंगी ये तनिष बताएगा तनिष यस मैम 8 रुपीज में कितने पैसे होंगे बेटा 800 वेरी गुड अब समझ में आ गया यस मैम और बताओ 9 रुपीज में कितने होंगे 900 अब कोई बच्चा ऐसा है जिसने एक बार भी आंसर नहीं दिया हो इज देयर एनी स्टूडेंट हु हैव नॉट आंसर्ड इवन अ सिंगल टाइम ओके मीनल भारद्वाज माइक ऑन करो बेटा चलो yes, ले लेते हैं हाँ मीनू मीनल इन 10 रुपीज देयर आर डैश पैसे 10 रुपीज में कितने पैसे होंगे बेटा टेन थाउजेंड ओ माय गॉड ये तो बहुत ही टेन थाउजेंड होते हैं 10 को मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से तो मीनल एक बार देखो 10 को जब भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 जब 1 लगाएंगे और 1 2 3 टोटल 3 जीरो हैं एंड इट इज कॉल्ड 1000 नॉट 10000 ठीक है तो क्या लगाएंगे बेटा मीनल 1000 अरे 1000 तो उन्नति ने बहुत अच्छा आंसर दिया है आई विल क्लैप फॉर उन्नति वेरी गुड बेटा नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 आई होप क्वेश्चन नंबर 1 अब आपको सबको समझ में आ गया और अपने आप इसे कर सकते हो कैन यू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अब हम कंप्लीट द फॉलोइंग रुपीज दिए हुए हैं आपको 4 रुपीज और 60 पैसे आपको पता है एक चीज मैं आपको बता देती हूँ रुपीज 4 इसमें 4 है रुपीज और 60 क्या है पैसे ठीक है एक चीज आपको ये बतानी है अगर मान लीजिए कभी भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए तो आपको उसे रीड करना आना चाहिए जो ये डॉट है दिख रहा है सबको इस डॉट के इधर जो है वो है रुपए और इस डॉट के इधर जो होते हैं वो होते हैं हमेशा पैसे और पैसे आपको हमेशा डबल डिजिट में ही होने चाहिए अगर मान लो पैसा सिंगल डिजिट में हो ठीक है ध्यान से समझना पैसा है आपका मान लो ऐसे लिखा है कि 1 रुपया और 1 पैसा कैसे लिखोगे तो उसको कैसे लिखना है वो आप देख लीजिए एक बार 1 रुपया और 1 पैसा तो आप कैसे लिखेंगे रुपीज 1 पॉइंट अब 1 पैसा है ना तो उसको आप 01 लिखेंगे ठीक है ये चीज समझ में आई ये बुक में नहीं है ये आपको एक अलग से मैं बता रही हूँ 1 रुपया और 1 पैसे को अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे मान लो आपको क्वेश्चन में ये आ जाता है 1 रुपी 1 पैसे भाई जिन बच्चों को फुल ऑन फुल स्कोर करना है वो यहाँ देख सकता है और जिनको सिर्फ यही है कि जो किताब में है मैं तो सिर्फ उतना ही पढ़ के इंटेलिजेंट बनना चाहती हूँ तो वो अपना कर सकते हैं बुक में अगर किसी को ये है कि हाँ भाई मैम अगर कुछ हमें बता रही है कोई नई चीज जो बुक में भी नहीं है तो हम उसको जान लें तो वो देख सकता है अदरवाइज आप अपना काम करते रहो कंटिन्यू बहुत अच्छी बात है ठीक है तो 1 रुपी और 1 पैसे अगर इस तरीके से लिखना आ जाए लिख के आ जाए और ये कहा जाए कि आपको उसे इस फॉर्म में लिखना है तो आप उसमें रुपीज का साइन लगाएंगे 1 रुपी को ऐसे लिखेंगे और 1 पैसा अगर आपको लिखना है तो आप उसको रुपीज 1.1 ऐसे कभी भी नहीं आता है अगर यहाँ डेसिमल के बाद पैसे सिंगल डिजिट में है तो आपको 01 लगाना है ठीक है
अगर मान लीजिए आपके लिखे हैं ओनली 1 पैसा, इसको आपको वर्ड्स में लिखना है, या फिर 9 पैसे, इसको आपको किसमें लिखना है, वर्ड्स में। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 9 पैसे ये तो ऑलरेडी वर्ड्स में, इसको अमाउंट करके लिखना है, तो आप लिखेंगे रुपीज। अब रुपीज इसमें है ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे उसे, 0, रुपीज 0.9 पैसे हैं, 0.9, ये इसका आंसर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ले लेती हूँ मैं कुमुद से। कुमुद। यस मैम। हाँ बेटा ये बताओ रुपीज 2.11 है, तो रुपीज 2.11 इसको आप कैसे लिखेंगे बेटा वर्ड्स में, 11 पैसे, 2 रुपीज एंड 11 पैसे, वेरी गुड। चलो मिष्टू नेक्स्ट बताओ बेटा। यस मैम। बता दीजिए। 3 रुपीज एंड 42 पैसे। वेरी नाइस। नेक्स्ट बताएंगे मुझे यशस्वी माथुर, आर यू इन क्लास? ओके। जानवी। यस जानवी। 7 रुपीज एंड 95 पैसे। वेरी गुड। नेक्स्ट माही, यू कैन टेल बेटा। यस माही। 6 रुपीज एंड 25 पैसे। वेरी गुड। 6 रुपीज एंड 25 पैसे। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे तनिष्क। यस मैम। बताओ जरा। परेश। 5 रुपीज एंड 40 पैसे। 5 रुपीज एंड 50 पैसे। वेरी गुड। सो हियर अवर कोर्स ऑफ UT3 इज कंप्लीटेड इन बुक नंबर 2, ठीक है। नाउ एक बार आप अपनी बुक नंबर 1 में, बुक नंबर 1 है ये, लास्ट ही लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में थोड़े से ही पेज रह जाते हैं, ये है आपका एक पेज नंबर 53 के पास में है, 52, ये निकाल लो। ओपन दिस पेज, चैप्टर मनी, ये दिस इज योर रिवीजन एक्सरसाइज। मैम ये पीछे वाली पेज वाले की है। मैम मनी, मैम 11 चैप्टर। यस बेटा, चैप्टर 11 मनी। मैम पीछे वाला 11 चैप्टर मनी। पीछे वाला रिवीजन वाला निकाल लिया। यस मैम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ले ले। जानवी ओपन कर लिया। ओके नाउ ये है ना प्रियंका अग्रवाल के नाम से, कौन है, अंशिका। अंशिका राइट इन शॉर्ट। अंशिका। यस मैम। बेटा इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख के बताना है, जो हमने अभी अभी किया है जस्ट, उसको आपको अभी हमने वो शॉर्ट में दिया था और इस फॉर्म में हमने लिखा था, अब आपका ये फॉर्म दिया हुआ है और शॉर्ट में आपको लिखना है। शॉर्ट माने छोटे तरीके से, आप इसे कैसे लिखोगी बताओ, बताओ। रुपीज। हाँ पहले रुपीज के लिए ये वाला साइन लगा देंगे हम, ठीक है। अब बताओ 26। हाँ हाँ पॉइंट। वेरी गुड। पॉइंट 35। वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट वन कुमुद।
नेक्स्ट बोलो बेटा आंसर। यस मैम। बोलो मैम 40 रुपीज। हाँ जी 45.56। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने दोनों। ठीक है, ये वर्क आप कॉपी अपनी बुक में जहाँ स्पेस दिया हुआ वहीं पे आप कर लेंगे। ठीक है, नाउ माही, माही जी राइट इन रुपीज एंड पैसे। अब आपको ये रुपीज और पैसे में बताना है। ठीक है, यानी कि ये फॉर्म दे देंगे, ये पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, ₹37.55। इसको कैसे लिखोगी माही बताना तो? 35 रुपीज। वेरी गुड, 35 या 37। ₹37 एंड लिखो एंड 55 पैसे। वेरी गुड, तो आई होप यू आर गेटिंग द चैप्टर वेरी स्मूथली, मतलब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है ना, अगर आंसर दे रहे हो तो। यस मैम। जानवी नेक्स्ट आंसर। यस मैम। बताओ बेटा। 15 रुपीज एंड 25 पैसे। रुपीज की स्पेलिंग बताओ। रुपीज की RUPPES। RUPPES बोलो। RUPPES। ठीक है, और पैसे की सुनाएंगे। PAISE। ठीक है, पैसे। ठीक है, अभी एक बच्ची है यहाँ पे जो है यशस्वी, तुम हो उन्नति। यार बहुत कंफ्यूजिंग नेम है तुम दोनों के, सेम सेम लगते हैं मुझे। उन्नति आप मुझे बताएंगी क्वेश्चन नंबर 3। ऐड करना है बेटा रुपीस और यहाँ पे है आपके पैसे 345 और यहाँ आपका 22। हियर इज 112 रुपीज एंड 45 पैसे। चलिए जी प्लस कर दें इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये जरूरी कि हमें राइट हैंड साइड से ही शुरू करना है। ठीक है, 5 एंड 2 मैम 5 2 7। 4 एंड 2 6। वेरी गुड, 5 एंड 2 7। वेरी गुड, 4 एंड 1 मैम 6 5। वेरी गुड, 3 एंड 1 4। वेरी गुड, एक सेकंड में इन्होंने क्वेश्चन करके दे दिया, बहुत अच्छे। तनिष्क जी नाउ इट्स योर टर्न। यस मैम। हियर यू हैव टू ऐड रुपीज 482 एंड पैसे हैं 75, रुपीज 516 एंड 20 पैसे। चलिए ऐड कर दीजिए बेटा तनिष्क। 5 में 0 ऐड किया तो 5। नेक्स्ट 7 में 2 ऐड किया तो 5। 7 में 2 ऐड करना है भाई 9। 6 एंड 2 6 एंड 8। वेरी गुड, 8 एंड 1 8 and 1 9। वेरी गुड, 4 and 5 9। वेरी गुड, ये राइट आपके लिए। नेक्स्ट हु विल टेल मी, एक बच्चा है ये मुझे दिख नहीं रहा है। मिस्टू। यस मैम। यस गिव आंसर ऑफ सी पार्ट। रुपीज पैसे 550 रुपीज 86 पैसे एंड 134 रुपीज एंड 12 पैसे यू हैव टू ऐड। चलो बेटा ऐड करो। 6 2 8 8 1 9 4 4 5 5 3 8 5
16. गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. ओके, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग रूपीज एंड पैसे. इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है. एक बच्चे ने अभी भी ज्वाइन किया है, कोई नहीं बेटा. इसकी फोटो ले लूं एक बार, सेंड करूं क्या आपको? बता दो. नो मैम. इज देयर एनी नीड? ओके, कैन यू डू दीस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ? यस मैम. ओके यस मैम. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग रुपीस एंड पैसे. अभी तक अंशिका, अंशिका देंगी आंसर. यस मैम. 776 रुपीस 50 पैसे हैं बेटा, और 343 रुपीस और 23 पैसे हैं. चलिए जी बता दीजिए. अंशिका जी स्टार्ट फ्रॉम योर राइट हैंड साइड. 10 में से 7. हाँ, इस 0 में से 3 नहीं जा सकते. यहाँ कैरी लिया, 10 बन गया, यहाँ 5 के बदले 4. 10 में से 3 माइनस किया तो 7. वेरी गुड. अब 4 में से 2 माइनस कीजिए. 4 में से 2. 2. ठीक है. अब यहाँ पे 6 में से 3 माइनस किया तो 3. वेरी गुड. 7 में से 4 माइनस कीजिए. 3. वेरी गुड. 7 में से 3 माइनस कीजिए. 4. वेरी गुड. 433 रुपीस एंड 27 पैसे. नेक्स्ट हु विल कम? जानवी. यस मैम. रुपीस पैसे 475 रुपीस है, 25 पैसे है, 223 रुपीस है और 00 पैसे है. इसको सब्ट्रैक्ट करना है बेटा. चलो जानवी जल्दी से बता दो. 5 में से 0 गए तो 5 0. क्या बात कर रही हो? 5 में 0 गए तो 0. नो मैम, 5. नेक्स्ट बोलो. 2 में से 0 गए तो 2. 5 में से 3 गए तो 2. 8 में से 7 में से 2 माइनस कीजिए. 5. और 4 में से 2 माइनस कीजिए. 2. वेरी गुड. नाउ सी पार्ट हाउ विल डू. ओके कुमुद, आज कुमुद ने छोटी रोटी बनाई है. हां कुमुद, आज तो मैं एकदम रेडी बन होके बैठे हुए. 768 स्टडीज के लिए एकदम रेडी. हां कुमुद, स्टूडेंट बन के बैठी हो बिल्कुल. 234 एंड 56 यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. चलिए बेटा सब्ट्रैक्ट करिए जरा. 9 में से 6 गए तो 3. 3 4. यहाँ पे कितना आएगा? 8 में से 4 माइनस कीजिए. 4. 6 में से 3 माइनस कीजिए. 3. कोई और तो नहीं बता रहा है तुमको? इतनी जल्दी जल्दी आंसर दे रही हो, फटाफट. ठीक है, 7 में से 2 माइनस कीजिए. 5. ओ वाओ, इतना स्मार्ट आंसर, फटाफट. वेरी गुड, ये गुड है आप तीनों के लिए जिन्होंने ये तीनों क्वेश्चंस किए हैं. एक वर्कशीट है आपके सामने, दिखाई दे रही है नीचे. कैन यू सी दिस वर्कशीट? यस मैम. हियर आर एट वन साइड सम बैट्स, उस पे लिखा है. फर्स्ट वाला मैं बता रही हूँ. ड्रॉ लाइंस टू जॉइन ईच क्रिकेट बैट टू करेक्ट बॉल. बैट को बॉल से आपको मैचिंग करनी है. फर्स्ट बैट पे लिखा है 65 रुपीज और 24 पैसे. तो आपको ढूंढना है कौन सी बॉल के ऊपर 64 रुपीज 25 पैसे लिखा है. मैम थर्ड नंबर वाला बॉल. हाँ, 65 रुपीज 25 पैसे थर्ड नंबर वाला है ना. तो इस बॉल को इस वाले बैट से आप यू मैचिंग कर देंगे. यू कर दोगे लाइन ऐसे लगा के यू? यस मैम. ये सारा अपने आप कर देना.
ठीक है। क्योंकि अब आप हो गए होशियार, आपको सब कुछ आता है। तो इतना सा ही आपका आज का काम था, ठीक है। कैन यू डू दीज टू पेजेस इन योर कॉपी ऑल्सो, या कुछ अलग से ही काम सेंड कर दूं? मैम कुछ अलग से काम सेंड से। ठीक है बेटा, ग्रुप पे मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सेंड कर देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो आपको वर्क करके रखना है एकदम, और सेंड कर देना है अपने क्लास ग्रुप पे, ठीक है। ओके मैम, बाय, फिर मिलेंगे। बाय मैम, सी यू। बाय बेटा, सी यू सी यू सी यू। बाय उन्नति, बाय कुमुद, बाय गांधी।